माय गॉड, ये क्या हो गया? अगर दीपक को पता चल गया ना कि उस कोर्ट के पॉकेट में 10 करोड़ की लॉटरी का टिकट है, तो यकीनन उसकी नियत बदल जाएगी। तो रोहित, जल्दी से फोन करो ना। नहीं मॉम, फोन करने में खतरा है, मैं खुद उसके घर जाकर कोर्ट ले आता हूँ। संभल के, रोहित खोरन कौन? जी हाँ, मैं हूँ। अरे बाप, तुम है क्या? मेरे को देख के भाग रहे थे क्या तू? चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे क्यों बोले तो क्या, शॉपिंग मॉल में तुमने जो मारपीट और लूटमार किया ना, उसका कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ मेरे पास। एक्सक्यूज मी, आई थिंक दैट्स बीन। इंग्लिश में बात करके मेरे को डराने का नहीं। हाँ, ये तुम्हारे गाड़ी का नंबर यही है ना? ये MDH क्या 1545? हाँ यही है। तो सबेरे गया था कि शॉपिंग मॉल में? क्या गया था? लेकिन गया था क्या? गया था क्या? गया था ना। हाँ, बाकी का जो बोलने का हमारे साहब को बोलने का, इधर कुछ नहीं बोलने का। चल चल डायरेक्ट। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैं थाने जाकर आता हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फूटे? कूल मैन, जान बची और लाखों पाए, लौट के इंटेलिजेंट घर को आए। यो इंटेलिजेंट, घर तो आ गए ना, पर जान के बदले जो लाखों पा रहा ना, उसमें 30,000 खाचा तो चिकन भाई का है। अरे भाई, वो तो मुहावरा है, जान देता है क्या? गेम बजाओ क्या? जान कैसे देगा भाई, कुछ और ले लो। अरे यार, तेरा ये कोड बहुत जगह आइटम है, बिल्कुल वैसी जरा लल्लू जैसा आप दुकान में देखे थे। चल निकाल 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 निकाल। मेरे को तो उसकी पैंट बहुत पसंद है, बोलो तो ले लूं क्या भाई? मेरे को एक टी-शर्ट। ए बस, सबको सब मिलेगा। नहीं, 10 करोड़ सुना? तू 10 करोड़, ये तो बहुत ही सारे पैसे हैं। बहुत ही सारे पैसे हैं। देखा ब्रूटी, अच्छे काम का फल कितना अच्छा होता है। तुमने सच्चे दिल से उस गरीब लड़के की मदद की थी ना? हाँ। तो भगवान ने भी बदले में तुम्हें कितनी बड़ी गिफ्ट दी। तो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है? पापा ने वो टिकट अपने कोट में रखी थी। हाँ। और वो कोट दीपक अंकल लेकर चले गए। दीपक? ओ, अगर उस बदमाश को ये पता चलेगा कि 10 करोड़ का टिकट उस कोट की जेब में है, तब तो वो सारी रकम हड़प कर लेगा। लेकिन फ्रूटी, वो कोट कैसा था? वो कोट ब्लैक कलर का था। अच्छा, अभी देखते हैं। जी 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 जी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं फिर से देखती हूँ। फ्रूटी, कोई ब्लैक कलर का कोट दीपक के पास है ही नहीं। नहीं है तो फिर वो कोट कहाँ चला गया? जब तक हमें ये मालूम नहीं हुआ कि वो कोट किसके पास है, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं और मेरे फ्रेंड दीपक अंकल के पास जाते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो कोट कहाँ है। दो घंटे हो गए चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, लेकिन एक गिलास पानी तक को नहीं पूछा। तो हम समाज के इज्जतदार लोग हैं, हमारे साथ ऐसी बात चलोगे? ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदगुमानी, ऐसी बदशुमारी, ऐसी बदनसीबी। चुप! कब से मेरा दिमाग खा रहे हो तुम दोनों? और हवलदार साहब, आपको मैं कब से बोल रहा हूँ, आपको मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ए, तेरे को मैंने बोला है ना इधर चुप बैठने का, हमारा साहब आएगा ना बाद में पूछताछ करेगा, अब मेरा डोका नहीं खाने का भी। हाँ, अरे 2 घंटे से आपने यही रट लगा रखी है, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, बहुत बड़े आदमी है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा, प्राइम मिनिस्टर को मैं बात करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि एक इतने बड़े साइंटिस्ट की ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदगुमानी, ऐसी बदशुमारी, ऐसी बदनसीबी, ऐसी बेहूदगी, ये खामोश रहे हैं। अभी अभी तुम लोग कुछ बोला ना तो डायरेक्ट हवालात में बंद कर दूंगा। दीपक अंकल, उधर ही रहना,
शॉपिंग मॉल से यहाँ पहन कर आए थे? वो कोट मेरे पास नहीं है। के पास नहीं है मतलब? मतलब वो कोट मैंने चंदू चिकट को दे दिया। चंदू चिकट को? हाँ। वो कौन है? अरे मेरा दोस्त है, बेचारा बहुत गरीब है, मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उसे दे दिया। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ यार। आप मुझे चंदू चिकट का एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस वो नई सड़क के पास पतली गली में कहीं रहता है, किसी से पूछ लेना मिल जाएगा। तुम जाओ ना यहाँ से। गो गो गो। चलो नई सड़क। एक कोट के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रही है? जरूर इसमें कोई राज है। अंकल ने तो कपड़े नहीं पहने थे। क्या रे लगा तेरा फोन? एंगेज जा रहा है। आ रहा बाप, तेरे को प्राइम मिनिस्टर को फोन करने का है ना? ये लगा, तू भी लगा लगा। हाँ हाँ, जरा फोन देना। चुप, जरा फोन देना यार। आपके पास पीएम साहब का नंबर है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हेलो। हेलो पीएम साहब। अरे ये कोई पीएमएम का घर नहीं है, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक? हाँ सही पहचान है, मैं साइंटिस्ट जोसलकर बोल रहा हूँ। जोस? हाँ बोला। हाँ सर, इन लोगों ने मुझे थाने में बिठा के रखा है। देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को थाने में बिठा के रखा है सर। थाने में? जी हाँ, और यहाँ हमारे साथ मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर रोहित खुराना भी है। जीजू? जीजू, जू, हाँ, जू पर रिसर्च चल रहा है आजकल। सर आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ पर किसी को भेज दीजिए ताकि हमें यहाँ से छुड़वा ले। जीजू थाने में? और ये कोर्ट का लफड़ा जरूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आदमी आ रहा है। ये जरा बता दो, ये झकास आइटम कैसा लग रहा है अपने ऊपर? एकदम झकास गुरु। चंदू आज अपने ग्यारह की शादी है। अच्छा, अरे शादी का बर्बादी, अपने को क्या करने का है यार? तो क्या है कि शादी में पहनने लायक मेरे पास कुछ है नहीं ना, तो मैं सोच रहा था अगर तू अपना एक कोट। मेरे को क्या एड़ा समझे ला? भूल गया तू वो बॉम्बे सेंट्रल? भूल गया कड़की के दिन जब तेरी जेब में एक पैसा नहीं था, किसने खिलाया था तेरे को बड़ा पाव? अरे इसने, लल्लू लाठी ने। बड़ा पाव का वास्ता दे के लूट लिया रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? क्या आप ही चंदू चिकट हो? अरे तो फिर मेरे पापा का कोट आप ही के पास होना चाहिए। कोट? वो लल्लू लाठी ले गया रे। लल्लू लाठी? लेकिन कहाँ? अपने यार की शादी में काजू पड़ा रे। काजू पड़ा? काजू पड़ा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।